दमोह जिला की सियासत में सिद्धार्थ मलैया की पदयात्रा ने हलचल मचाई है। चार दिना तक सिद्धार्थ मलैया पदयात्रा करत रहे दमोह विधानसभा सीट पे। सिद्धार्थ मलैया मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र हैं और अब अपने लाने बड़ी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और लगातार चार दिना तक उनने क्षेत्र में पदयात्रा करके लोगों से संपर्क करे और उनकी समस्याएं सुनी। अभी हम आपसे सबसे ये बोलने आए कि ये हमारा कार्ड है, इसमें हमारा नंबर लिखो है, एक बार तो भी दे रहे जो इनको ले लो तो इसमें मेरा नंबर लिखा है, आप लोग समय तय करो, अभी ताता का समय है ना, अभी बाई भी नहीं मिल पे, अभी सामाई को मिले खाने की बेरा के बाद आप लोग समय तय कर लें, यात्रा के बाद आप तीन आके बैठेंगे और एक साल दो साल पाँच साल दस साल क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, आपका क्या सुझाव है, आपको क्या ठीक लगता है, ये आप चर्चा करना। आपके जो कुटेज की राशन की दूसरी बात है वो भी करना, अपन सरपंच और दूसरे लोग को भी बुला लेंगे। यात्रा का उद्देश्य बहुत साफ है और बहुत सीमित है, लोगों से मिलना है, उनकी क्या समस्याएं हैं और ज़मीन पर कितना काम हो रहा है, लोगों से सुनना है, उस बारे में कुछ हमारी बात है या कुछ उसकी समझाइश है तो वो बात कहना है, एक संबंध स्थापित करना है और वही यात्रा का उद्देश्य है। वो पूरा हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, लोग जो बात सुनने की है उसे सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अपनी बात जो है वो हमें बता रहे हैं, हम उसे लिख रहे हैं, नया अनुभव हो रहा है। मध्य प्रदेश में चार पाँच दिन से शुरू हुई है और चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है लोगों को तकलीफ है, जिस क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ लोगों को घरों में तकलीफ़ है सोने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, पानी भरने के लिए, जिस क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ वहाँ पर बांध बने हैं बहुत सारे पिछले 10-12 साल में और पानी है और यहाँ पर लोग गर्मी की फसल लेते हैं हज़ारों एकड़ के अंदर मूंग और उड़द। अब लोगों को निर्बाध आपूर्ति नहीं हो पा रही है बिजली की और अघोषित है, अनशेड्यूल्ड है, तो उनको पता नहीं कब बिजली आएगी, उनको 6 से 7 घंटे हमको देना है और किस समय देंगे पता नहीं, तो चूँकि अब कोयले की कमी और जो भी बातें हैं तो मेरे को जो जानकारी है कि अगले 7-8 दिन और इस तरह का आएगा और लोगों का उसमें खेती में नुकसान होता है जो तीसरी फसल ले रहा है, तो मैं उस बारे में विचार कर रहा हूँ कि मेरे को उसको वो जो मुझे ठीक लगता है क्या वो दूसरों को भी ठीक लगता है, क्योंकि संवैधानिक रूप से अगर हम शहर के निवासी को 2.5 लाख रुपए रहने के लिए दे रहे हैं और उसको 400 फुट मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, उसके अंदर अपेक्षा रखते हैं कि आप 400 फुट का मकान बनाएं 2.5 लाख में, तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा क्यों है, उनके भी उतनी ही जनसंख्या है, उनकी भी वही आकांक्षाएँ हैं और ज़मीन की बात तो हम कर नहीं रहे, ये तो ज़मीन होते हुए मकान बनाने की बात कर रहे हैं, तो होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि रेत गिट्टी सीमेंट तो देहात जाता है शहरों से, तो उसके जो उसकी ढुलाई है उसका पैसा और लगता है, होना तो ये चाहिए कि 5-10% ज़्यादा देहातों में हो। किस कारण से और कैसे उन्होंने क्यों शुरू किया ये और क्यों फ़र्क रखा, या उनके आर्थिक प्रतिबंधताएँ थी कि वो नहीं कर सके ऐसा और ज़्यादा लोगों को लाभ देना था, कुछ उस तरह की वजह रही होगी, पर अब समय अगर कोई ये मानता है कि शहर और गांव के लोगों का एक जैसा अधिकार होना चाहिए तो मैं मानता हूँ उस बारे में उनसे बात करेंगे और भी लोगों को बात रखेंगे कि दोनों में बराबरी से समानता से उनको। पिछले 3 साल में दमोह विधानसभा में जो कछु राजनीतिक घटनाक्रम भय हैं उनके बाद अब सिद्धार्थ मलैया की सक्रियता महत्वपूर्ण है और उनको दावा है कि वे लगातार यही तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं। दमोह से ब्रजेश गर्ग, बुंदेली, बौछार के लाने।